हे दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो बहुत 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 खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं आज ऐसे कुछ कॉलेजेस बताऊंगा जिनमें आप एडमिशंस ऑन हो चुकी है। अगर आप एडमिशंस लेना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को अभी शेयर करेंगे इस वीडियो को, और साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। कुछ ऐसे कॉलेजेस मैं आपको बताऊंगा जिसमें हम लोग नो डोनेशंस के साथ एडमिशंस करवा रहे हैं, नो कैपिटेशन अमाउंट, कोई भी एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें कुछ ज़रा डोनेशन है, बट आप एक अच्छी सीट हासिल कर सकते हो। टॉप कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल में, उन सब के लिए आप इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। हम लोग पूरा बात करने वाले हैं हर कॉलेज के बारे में, कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से जो है सीट्स ब्लैंक है, कहाँ एडमिशंस ऑन हो चुकी है और कहाँ आप एडमिशंस करवा सकते हैं। वी आर द बेस्ट एडमिशन कमिटी टीम इन द ऑल ओवर वेस्ट बंगाल। हम लोग ऑथेंटिक एडमिशंस करवाते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं और प्रोसेस करवा सकते हैं एडमिशन। हिंदी के लिए इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, और बंगाली के लिए इस नंबर पे। आप जितने भी यूट्यूब पे क्रिएटर्स देखते हैं या फिर किसी को भी देखते हैं तो सारे एडमिशंस हम ही लोग करवाते हैं। सो अब हमारे से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो यू आर इन अ प्रॉफिटेबल जोन, और आपको जो है बेटर जो है रेट्स देखने को मिलेंगे, ऑथेंटिसिटी देखने को मिलेगी, और एडमिशंस भी हम लोग एज सून एज पॉसिबल करवाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक पे, विच इज़ लाइक दी नो डोनेशन कॉलेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ अच्छे कॉलेजेस के बारे में जो कि टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं, और उनमें आपको पता है कि टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हर सीट्स ओपन नहीं करते हैं। आपको सी एस सी पढ़ना है, सी एस सी के भी सीट्स आपको मिलेंगे, वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों नरूला कॉलेज की। नरूला वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, हमने लास्ट वीडियो में बताया था। नरूला में अभी जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के लिए आपको बिहार और झारखंड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 3.5 लाख का फीस पड़ेगा, और जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 4.2 लाख का फीस स्ट्रक्चर पड़ेगा फॉर 4 ईयर्स। हम लोग टोटली फीस में डिस्काउंट लेके आ रहे हैं। आपको हासिल करना है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल को हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉप कॉलेज है वो है गुरु नानक कॉलेज। ये भी कॉलेज सूरतपुर में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिविल जो भी इनमें कोर डिपार्टमेंट्स हैं, बिहार और झारखंड के स्टूडेंट के लिए 3.5 लाख, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए 4.2 लाख का टोटल फीस स्ट्रक्चर है। हम लोग आपको अवेल करवा सकते हैं, कॉलेज से आपको स्ट्रेट ये सब नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे टाइप्स हैं और आपको ये लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास जो हम आपको ऑफर कर सकते हैं विदाउट एनी डोनेशन फीस। बात करते हैं दोस्तों और एक और आपको खास बात बता दूँ हमारे डिपार्टमेंट्स का, कि अगर आप टोटल फीस स्ट्रक्चर जो 1 लाख रुपये का बनता है अगर किसी कारणवश आप पे नहीं कर पा रहे हैं, आप 1 महीने का टाइम चाहते हैं फीस को पर एडमिशन करवाना चाहते हैं, सब हमारे टीम को कनेक्ट करें, हम लोग पार्ट पेमेंट भी आपके लिए कॉलेज से बात करके करवा सकते हैं, विच इज़ लाइक अ वेरी प्रॉफिटेबल थिंग। हमारे कुछ टाइप्स कॉलेजेस में ही ये पॉसिबल है, हर कॉलेज में ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल हुआ नहीं हुआ वो भी हमारी टीम आपको बता देगी। इस नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए या फिर नीचे दिए हुए एक फॉर्म को फिल करें। आप बताएँ कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट पढ़ना है, कमेंट सेक्शन में उस डिपार्टमेंट के लिए आपको फ़ोन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। पर ध्यान रखें आपकी जो रैंक है वो 60,000, 70,000, 80,000, 50,000, आप काउंसलिंग के पहले एडमिशन लेना चाहते हैं या काउंसलिंग के बाद में भी विदाउट एनी चार्जेस, तो आप अभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करें दोस्तों MSIT के बारे में, तो MSIT जो है वो भी लेके आता है ये ऑफ़र। 5 लाख टोटल फीस स्ट्रक्चर पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ब्रांच आप पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ब्रांच इन MSIT मतलब मेघनाथशाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके बाद कॉलेज है दोस्तों एडमस कॉलेज। एडमस कॉलेज यूनिवर्सिटी वन ऑफ द गुड कॉलेजेस हैं, डिसेंट कह सकते हैं। फीस यहाँ 7.2 लाख है, ज़रा हाई है, बट आपको CSE मिल जाएगा, IT मिल जाएगा, EC और कोर डिपार्टमेंट पढ़ना है तो फीस और भी डिस्काउंट हो जाता है। उसके लिए आप हमारे एडमिशन कमेटी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। EC का फीस कुछ 5 लाख के आसपास पड़ेगा आपको। इसके बाद जो है दोस्तों ब्रेनवेयर कॉलेज है, ठीक ठाक कॉलेज है कह सकते हैं। फीस यहाँ पर 4.8 लाख है, यहाँ पर CSE स्पेशलाइजेशन, IT, ECE और कोर डिपार्टमेंट हर किसी में एडमिशन हो जाएगा। कोई भी जो है आपको डोनेशन चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, फीस 4.8 लाख है। इसके बाद है दोस्तों आपको SNU सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी जिसकी फीस है 8 लाख रुपीज़, यहाँ पर CSE और CSE AIML के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ सकता है, बट CSE DS मतलब डेटा साइंस, CSE साइबर सिक्योरिटी और BS मतलब बिजनेस सिस्टम के लिए कोई भी डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक सीट्स अवेलेबल हैं आप क्लेम करके अपनी एडमिशन एज सून एज पॉसिबल करवा लें। इसके बाद जो हमारे पास कॉलेज है दोस्तों वो है JIS कॉलेज। JIS कॉलेज ऑफ कल्याणी में ECE का अभी भी सीट ब्लैंक है, आप कांटेक्ट करें, कुछ एडमिशंस ऑलरेडी हमने करवा दिए हैं।
ECE में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी डोनेशन चार्जेस, बट आपको फीस 6 लाख पड़ेगा। बट यहाँ पर जो है अगर आप कोर डिपार्टमेंट लेते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, तो दोस्तों आपकी फीस जो है अगर वेस्ट बंगाल के हैं तो 4.2 लाख, बिहार और झारखंड का डोमिसाइल है तो 3.5 लाख में हम लोग आपकी करवा देंगे एडमिशन, विच इज़ लाइक अ वेरी प्रॉफिटेबल थिंग यू कैन गो फॉर। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास सूटेक कॉलेज, मतलब डॉक्टर सुधीर चंद्र कॉलेज, 5.46 का फीस स्ट्रक्चर मिलता है। CSE AIML में एडमिशन्स हो जाएगा आपका। CSE के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ सकता है। ECE के लिए भी टोटली फीस स्ट्रक्चर आपका 4.46 रहता है, बट अगर आप बिहार के हैं झारखंड के हैं तो 3.5 लाख लगेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल लेंगे तो, और ऑटोमोबाइल भी लेंगे, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, और वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए 4.2 लाख लगेगा। इसके बाद जो हमारे पास कॉलेज है दोस्तों वो है GIS यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द गुड कॉलेजेस हैं, जहाँ पर AIML डेटा साइंस IoT एंड साइबर सिक्योरिटी में आप पढ़ाई कर सकते हैं। 6.6 लाख का फीस स्ट्रक्चर है, टोटली गुड है, आप जा सकते हैं, कोई भी कोर डिपार्टमेंट नहीं मिलता। इसके बाद हमारे पास कॉलेज है दोस्तों बजबज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ CSE के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ सकता है, बट आपको टोटल फीस 5.19 लाख देखने को मिलता है। कोर डिपार्टमेंट्स के लिए कॉलेज आप ना कंसिडर करें तो अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके बाद आपको कौन कौन से कॉलेजेस हैं। स्वामी विवेकानंद कॉलेज है, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेनी मोर गुड कॉलेजेस हैं जिसके लिए अगर आपको एडमिशन करवाना है तो आप नीचे दिए हुए एक फॉर्म को फिल कर सकते हैं अपने रैंक को लिख कर, तो आपको एक कॉल आ जाएगी और एडमिशन्स आपका हो जाएगा एज सून एज पॉसिबल। हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये सारे कॉलेजेस जो हैं आपको मैं बताता गया, इसके अलावा कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनकी एडमिशन अभी ऑन है और आपकी एडमिशन हो जाएगी एज सून एज पॉसिबल। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ डोनेशन बेस्ड कॉलेजेस, जैसे कि नेताजी कॉलेज है, अगर आपका विद इन रैंक 45,000 है तो दोस्तों आपको यहाँ पर ज़रा सा अमाउंट अराउंड 3 लाख 2 लाख के आसपास जो है एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके AIML साइबर सिक्योरिटी डेटा साइंस एंड बिजनेस सिस्टम के आसपास आपको मिल सकता है। ध्यान रखेंगे 2 to 4 लाख के आसपास जो है एक्स्ट्रा अमाउंट AIML साइबर सिक्योरिटी डेटा साइंस और CSBS आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी रैंक है तो आप IoT CSE IoT आप अवेल कर सकते हैं, जो है कि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आपको मिल जाएगा। अभी टीम को कनेक्ट करें, सीड्स बहुत ही लिमिटेड है, कुछ दिनों में शेष। इसके बाद जो है MCKV कॉलेज है, MCKV की टोटल फी स्ट्रक्चर ही है सिर्फ 4.75, और जो है आपको जो अमाउंट पे करना पड़ रहा है विच इज़ वेरी लिमिटेड, तो उसके लिए आप हमारे एडमिशन कमेटी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। सीट्स ब्लैंक है मेन CSE में, CSE कोर AIML एंड DS में आपका सीट ब्लैंक्स है। इसके बाद है दोस्तों आपके पास FIEM कॉलेज, FIEM सोनारपुर, जहां पर आपको CSE डेटा साइंस एंड IT ब्रांच लिमिटेड अमाउंट में देखने को मिल जाता है, तो आप उसके लिए रीच आउट कर सकते हैं। हम लोग FIT गड़िया की बात नहीं कर रहे हैं, FIEM सोनारपुर की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है MSIT कॉलेज है, जिसमें एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट सीट्स आई हैं, जिसका नाम है ECS इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है, आप इसको बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अवेल कर सकते हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। इसके बाद IEM न्यूटाउन में कुछ सीट्स ब्लैंक हैं, CSE IoT और CSE साइबर सिक्योरिटी में, जिसको भी आप बहुत ही कम अमाउंट में अवेल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बताने वाले थे। इसके अलावा नरूला में भी कुछ सीट्स ब्लैंक है CSE और CSE डिपार्टमेंट्स के आसपास पे। इसके बाद GIS कॉलेज में कुछ सीट्स ब्लैंक है जी, वो सब तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको, अभी ये सब में एडमिशन्स ऑन हो चुकी है। जरा तबीयत ख़राब थी 2-4 दिनों पर, अब जो जरा ठीक हूँ तो मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, मैं आप लोग को ये सब बताना चाहता था। इन सारे कॉलेजेस का हमने नाम भी लिया आपके सामने और आपको बताया भी, और आप जो है नीचे दिए हुए फॉर्म को फिल करें, आपको आपकी रैंक अगर 30, 40, 50, 60,000 के आसपास है और आप काउंसलिंग छोड़कर एडमिशन लेना चाहते हैं तभी फॉर्म को फिल करें। प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें, अपना भी और हमारा भी टाइम वेस्ट ना करने दें। हमारे पास भी जो है काउंसलिंग के रिलेटेड जो क्वेरीज हैं उनके लिए हमने जो लाइनअप्स लिए थे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग रजिस्टर किए थे, उनको ही हम लोग अभी फॉलोअप ले रहे हैं, और जो है काउंसलिंग के रिलेटेड हम लोग वीडियोज़ लेके आएंगे, और अभी काउंसलिंग का कोई भी अपडेट नहीं आया है। ये सारे एडमिशन्स जो हैं अगर आप पहले कराना चाहते हैं, आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है, आपको पता है कि जो है आपको एक अच्छी कॉलेज ना मिल पाए,
तो आप अभी एडमिशन इससे करा सकते हैं और हम लोग की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑथेंटिसिटी एंड द ट्रस्ट वी ऑफर, ऑफिस को विजिट करें, एडमिशन कमेटी टीम से रीच आउट करें, दिए हुए नंबर पे स्ट्रेट फ़ोन लगाएं। अगर नहीं रीच आउट हो पा रहा है स्ट्रेट पे तो अभी के अभी नीचे फॉर्म को फिल कर दें, हम लोग आपसे रीच आउट कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।